आई एम एंजॉइंग माई जर्नी. कोई भी काम आप करें उसको ऐसा बनाना पड़ता है कि वो आपको इंटरेस्टिंग लगे, आपका इंटरेस्ट उसमें बना रहे. सो आई एम डूइंग दैट ओनली. कुछ लाइंस हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं. रिसेंटली मैंने IFS डॉक्टर अपाला मिश्रा को भी इन लाइंस को कहते सुना था. असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो. कहाँ गलती हुई देखो और सुधार करो. जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम. संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम. हाय, मेरा नाम मान्या द्विवेदी है. मेरे फादर आशीष द्विवेदी वो प्रॉपर्टी के बिजनेस में हैं. माय मदर मंजू द्विवेदी, शी इज़ अ होम मेकर. स्कूलिंग मेरी यहीं कानपुर से ही कॉन्वेंट स्कूल से हुई है. फिर टिल क्लास 7th, देन आई चेंज्ड माय स्कूल. फिर उसके बाद 12th तक साइंस. फिर मैंने स्विच किया आर्ट्स में. तो मेरा जो ग्रेजुएशन है वो यहीं DBS कॉलेज कानपुर से हुआ. एंड पोस्ट ग्रेजुएशन भी DBS कॉलेज से ही मैंने किया है, हिस्ट्री से. एंड इसी वजह से मेरा UPSC में भी हिस्ट्री ऑप्शनल है. और इसी तरह से मेरी कॉलेज की जर्नी के साथ ही साथ मेरी UPSC की जर्नी भी थोड़ा थोड़ा करके शुरू हो गई थी. UPSC चूज़ किया क्योंकि जब मैं क्लास 7th में थी, मेरे भैया रोहित द्विवेदी, उन्होंने UPSC क्रैक किया. IRS की पोस्ट मिली उनको. करेंटली वो ED में है, दिल्ली में पोस्टेड है. ही वॉज़ द फर्स्ट वन जो फैमिली में इस फील्ड में गए थे. उन्होंने जब क्रैक किया उसके बाद पता चला कि UPSC क्या होता है. उससे पहले तो IAS IPS सुना होगा कभी, बट फिर उसके बाद से सारे कजिन्स उन्हीं को फॉलो करते हुए फिर सब उसी फील्ड में गए. तो एक मोटिवेशन मिला, इंस्पिरेशन भी मिली. भैया को देख के बहुत अच्छा लगता था जब वो आते थे, तो द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट उनको मिलती है इनफैक्ट. तो वो आज भी मोटिवेट करती है, आज भी वो इंस्पिरेशन बने हुए हैं. मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है. इट्स नॉट लाइक कि लड़की है तो सपोर्ट नहीं करेंगे, लड़का है तो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत अच्छी फैमिली है, सबका सपोर्ट रहा है, सबने इंस्पायर किया है. मेरे बड़े पापा, अनफॉर्चुनेटली वो अब नहीं है, बट वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे. वो हमेशा कहते थे कि आपकी 30 साल तक की मेहनत जो आप करोगे अभी 30 ईयर्स ऑफ योर एज, वो आपके रेस्ट ऑफ द लाइफ आपको रिजल्ट देगी. UPSC का सिलेबस जब देखा ठीक से, तो जब पता चला कि ये इतना ज़्यादा वास्ट है, तो सबके मन में ये क्वेश्चन आता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. कि ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपने सुने भी नहीं होते. अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो डे जो मेरा स्केड्यूल है वो सुबह 9:30 शुरू होता है. सिंस लेट नाइट स्टडी रहती है तो पॉसिबल नहीं हो पाता मॉर्निंग में उठना. तो पहले थोड़ा गिल्टी फील होता था, बट अभी क्या रात में उनको कंपनसेट कर देती हूँ. एक्चुअल जो पढ़ाई स्केड्यूल मेरा स्टार्ट होता है वो 12 बजे से होता है. सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ. न्यूज़पेपर रीडिंग के बाद फिर मैं नोट्स नहीं लेती. इंस्टेड आप डेली अनअकैडमी पे ही कई सारे टेस्ट सीरीज आती हैं करेंट अफेयर्स की, तो करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आती हैं, आप उनको दीजिए. वो ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे आप ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर पाएंगे चीज़ों को. उसको पढ़ने के बाद स्लॉट्स में डिवाइड किया हुआ है डे को. 2 GS सब्जेक्ट्स एंड रिविजन, और या फिर 1 GS सब्जेक्ट ऑप्शनल एंड रिविजन. 3 3 आवर्स में उसको डिवाइड किया, और उन्हीं 3 आवर्स में क्लास इन स्टैंडर्ड बुक. जो टॉपिक क्लास में पढ़ा उसी को स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लिया, तो उसको कंप्लीट ऐसे कर लेती हूँ. एंड उसके बाद फिर आपका रिविजन 2 घंटे आपको देने बहुत ज़रूरी है. स्ट्रैटेजी में उसको आप अपना शामिल कीजिए कि हाँ रिविजन तो देना ही देना है. और प्रीलिम्स के 3 महीने पहले तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए प्री का. फिर उसके बाद आप सिर्फ प्री को ही दीजिए, मेंस पे फोकस मत कीजिए. इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलिए फेब से पहले. फेब के बाद फिर सिर्फ आपके लिए प्रीलिम्स ही सब कुछ हो जाना चाहिए. उस टाइम पर और कुछ फोकस नहीं करना है. रिविजन के बाद एक मॉक्स में प्रॉब्लम आती है, PYQs नहीं लगाते हैं. PYQs 3 से 4 बार आप लगाएं, जब तक आप लगाएंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा UPSC क्वेश्चंस फ्रेम कैसे करते हैं. जब आपको यही नहीं पता होगा कि वो क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो रहे हैं, तो आप पढ़ते जा रहे हो लेकिन कैसे पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, फिर वो सब कुछ वेस्ट हो जाता है. ये मेरी मंडे टू सैटरडे रहती है स्ट्रैटेजी. एंड संडेज को मैं क्या करती हूँ, उसको मैंने रिविजन के लिए, मॉक्स के लिए एंड मेरी हॉबी के लिए रिजर्व रखा हुआ. उस दिन मेरी हॉबी जैसे ड्राइंग है, पेंटिंग है,
ये सब कुछ है, तो उस दिन मैं वो सब कर लेती हूँ। एंड बाकी आपकी जो हॉबी हो आप उसको परसू करें, एक दिन दें हफ्ते में खुद को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट के लिए होना चाहिए, आप कहाँ स्टैंड करते हैं ये चेक करने के लिए, मॉक्स दें, ये सारे काम आप धीरे धीरे करें, तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे सेट करें। पेरेंट्स नहीं बोलते हैं लेकिन हाँ सोसाइटी के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऊपर आते हैं 25 क्रॉस करने के बाद, फिर शादी से रिलेटेड क्वेश्चन सब बोलने लगते हैं। सोसाइटी से जब आपको चीज़ें सुनने को मिलती हैं तो एट टाइम्स वो प्रेशर कहीं ना कहीं बिल्डअप कर देता है, और अगर आपकी फैमिली में कोई क्रैक कर चुका है तो वो प्रेशर फिर डबल हो जाता है। तो आप रिज़ल्ट पे फोकस कीजिए, आप अपना काम कीजिए, उन सोसाइटी के जो क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं उन पे ध्यान मत दीजिए। और पहले इनिशियली मैंने जब मेरी मतलब इनिशियल स्टेज में अनअकैडमी के फ्री रिसोर्सेज को फॉलो किया, उसमें सुदर्शन सर के वीडियोस को मैंने देखा था, उन्होंने NCERTs पे अपने फ्री वीडियोस डाले हुए थे, वो बहुत शॉर्ट वीडियो थे, हर चैप्टर को NCERT क्लास वाइज उन्होंने कवर किया हुआ है। देन फिर उसके बाद फिर लगा एक स्टेप आगे जाते हैं, फिर सब्सक्रिप्शन लिया, तो उसमें भी फिर स्टार्टिंग सुदर्शन सर से ही हुई। एंड आई वुड से उनसे पढ़ना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसको आप पूरी तरह से यूटिलाइज़ करें। और सुदर्शन सर मेरे रोल मॉडल हैं, उनके जैसा टीचर शायद ही मिलता होगा लोगों को, मतलब बहुत खुशनसीब हो कि मिले हैं वो। उनका मोटिवेशन, उनकी लाइफ से रिलेटेड जो लेसन्स होते हैं वो सारे लेसन्स वो बहुत अच्छे से चीज़ों को बताते हैं, समझाते हैं, क्लास में ही पोल्स कराते हैं, तो अनअकैडमी का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरी इस जर्नी में। मनोज जिंदल सर IAS जो हैं, उनको उनके यूट्यूब चैनल को मैं काफ़ी फॉलो करती हूँ, तो उन्होंने एक अपनी वीडियो में बोला था कि एक IAS ऑफिसर बनने से पहले आप अपने अंदर एक एम्पैथी होनी चाहिए आपके अंदर, मतलब आप जब तक समझेंगे नहीं कि किसी और को क्या प्रॉब्लम है, वो उसके प्लेस पे खुद को रख के नहीं देखेंगे तब तक आप एक अच्छे IAS ऑफिसर कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपको लोगों को सर्व करना है, पब्लिक सर्वेंट बन रहे हैं आप, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके जगह पे वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आपको खुद को रख के देखना पड़ेगा। तो उससे मुझे बहुत मतलब वो बहुत ज़्यादा मुझे टच कर गया था वो उनकी वो बात। कुछ बेसिक क्वालिटीज़ जो मैं फील करती हूँ कि एस्पिरेंट्स में होनी ही चाहिए वो हैं फर्स्ट क्लैरिटी, क्लैरिटी आपके माइंड में सिलेबस को लेकर के, आपको कब क्या कंप्लीट करना है, एक ब्रॉड प्लान होना चाहिए आपके पास, GS कब कंप्लीट करनी है, ऑप्शनल कब कंप्लीट करना है। सेकंड जो है वो डिसिप्लिन, हमारे रूटीन को लेकर, हमारे स्केड्यूल को लेकर के, आपने जो टारगेट्स लिए हैं डे के, जो टू डू लिस्ट बनाई है उसको लेकर के होना चाहिए। एंड जो थर्ड है वो परसीवरेंस, लगे रहना है, डटे रहना है, कुछ भी हो जाए बस अपने एम को देखना है। मेरी प्रिपरेशन जर्नी में मतलब पहले पेशेंस नहीं था मेरे अंदर, UPSC की प्रिपरेशन करना शुरू किया तो पेशेंस मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आ गया है, एंड एक स्पिरिट होती है कि नहीं करते जाना है करते जाना है। बट प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के बाद मैं मेरे अंदर वो स्पिरिट आई, मेरे अंदर डिसिप्लिन आया, मेरे अंदर पेशेंस आया, मैं और ज़्यादा हार्ड वर्किंग खुद को देख पा रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं खुद। रिग्रेट की अगर बात करें तो पर्सनली मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, बिकॉज मेरे लिए UPSC ही सब कुछ है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो कॉलेज लाइफ में हो सकती थी उसको मैं थोड़ा कहूँगी, बट वो मैं कंपनसेट कर लेती हूँ खुद पे, अपना होमली एक्टिविटीज़, मेरी हॉबीज़ को परसू करके घर पे ही ऑन संडेज़। पैंडमिक की बात करें तो वो किसी के लिए भी अच्छा फेज नहीं था, बट इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़ जब हम बात करते हैं तो मेरे लिए वो थोड़ा सा बेनिफिशियल हो गया था, मेरा जो फोकस था वो स्टडीज़ की तरफ थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया था, मेरा जो आइडिया था दिल्ली में जाके कोचिंग करने का वो भी कोविड की वजह से ही, कोविड के आ जाने की वजह से ही चेंज हुआ, मैंने ऑनलाइन पे स्विच किया। एंड ऑनलाइन पे स्विच करने से मुझे होम सिकनेस नहीं होती है, फिज़िकली फिट हूँ क्योंकि घर का खाना और सब कुछ मुझे मिल रहा है, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट अगर बेनिफिट्स की बात करें तो ये मेरे लिए एक उस टाइम पे बेनिफिट निकल गया है। अब लाइफ में कुछ तो करना ही है, तो कुछ पंक्तियाँ शेयर करना चाहूँगी। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो।